था CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इससे नागरिकता मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव से पहले। केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा कदम, इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों की अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। बड़ी खबर, केंद्र सरकार द्वारा CAA नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में कई बार कह चुके थे कि CAA को चुनाव से पहले लागू करेंगे और ये अब लागू हो चुका है। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यक को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। केंद्र सरकार ने CAA को लेकर अधिसूचना जारी किया और इसी के साथ आज से देश भर में CAA लागू हुआ।